हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी में। मेरा नाम है प्रिंस सानिया। यूपी टीईटी 2019-20 का पेपर पर्यावरण अध्ययन का पेपर फर्स्ट पार्ट 5 की आंसर की पहला क्वेश्चन 121 नंबर। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ चली थी? 1853 में भारत में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। 1853 में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर, जो बिहार में है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। किस देश में तबीला लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भारत में थार जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। थोड़ा सफा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा तो आवाज़ से आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। किसी बच्चे ने सेंड करा था तो उसी से मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ। फ़ोटो खींच कर सेंड करा था, मेरे पास पेपर नहीं है तो अच्छे से मैं अपना स्कैन करता। मुझे भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता होता है? एथिलीन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है एजोटोबेस्टर। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सेकंड आंसर इसका है बी, डीएनए। बी डीएनए, डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? लीच। प्रोटीन अणुओं की इकाई है एमिनो अम्ल। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? सेंट्रोसोम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मैचिंग वर्ड पहली सूची से दूसरी सूची को मिलाना है। भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल, नगर निगम। सी का क्या है? डी, नगर निगम, मेयर। ग्राम पंचायत से बनते हैं सरपंच। सूची एक को सूची दो का सुमेल करते हुए सेकंड आंसर सही है, ए सी डी बी। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? केवल 1959 में हुआ था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार
जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है क्या? ये एरिचोनिया क्रोसिपस, जलकुंभी कहा जाता है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, जलकुंभी। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इसका सी, इसका आंसर नहीं मिला अभी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है साइरस क्रेन, सारस क्रेन। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? किलिमजारो। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर। कार्बी एंग्लो पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंग्लो लोंग पठार किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।